ये तस्वीर को गौर से देखिए, ये साहब सूरजपुर जिले के आदिवासी विकास विभाग में आयुक्त हैं, नाम है विश्वनाथ रेड्डी। छद्म आवरण के साथ सालों से इस मलाईदार पद पर विराजमान है, न कोई डर न कोई भय। एक हॉस्टल की बच्ची के साथ ऐसा ऐसा हुआ है और उसके सर से 22 कीड़े निकाले गए हैं। अभी काफी सुनने के बाद भी काफी तकलीफ हुई है। प्रशासनिक जो तंत्र हैं अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करेंगे और जनप्रतिनिधि हमेशा उसकी देखरेख अच्छे से करेंगे तो शायद उसमें कमी आएगी। एक दिन में सुधार नहीं आ सकता, बहुत आउटर का क्षेत्र है। नमस्कार, मैं हूं मनीष। 1954 में राज कपूर के निर्देशन में एक फिल्म आई थी बूट पॉलिश, जिसमें एक गाना था, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, और बच्चा इसका जवाब देता है कि मुट्ठी में है तकदीर हमारी, बच्चों का सुंदर भविष्य राष्ट्र का सशक्त भविष्य होता है। इस गाने और बुजुर्गों की सुनी बातों से यही सिद्ध होता है कि बच्चे राष्ट्र का भविष्य होते हैं। लेकिन आज हम भारत के भावी भविष्य के उस एक कड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके कपाल पर छात्रावास अधीक्षक या सिस्टम की लापरवाही के कारण कीड़े पड़ गए। यह कीड़ा बच्चे के सिर पर है या भारत के भावी भविष्य के मस्तक पर या छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा पर, कहना कठिन हो जाता है। छत्तीसगढ़ का सूरजपुर जिला, इस जिले के बिहारपुर क्षेत्र की कहानी हमने पहले आपको कई बार दिखाई है कि वह क्षेत्र आज भी कैसे नेता और अधिकारियों के लिए एक चारागाह बना हुआ है। दुर्भाग्य देखिए कि इस क्षेत्र की समस्याएं दिखाने के बाद, लगातार दिखाने के बाद, उस पर सुधार नहीं दिखता बल्कि पुराने दर्द की तरह और भी ऐसी घटनाएं उभर कर सामने आने लगती हैं जो काफ़ी शर्मसार करती हैं। हाल ही में यहाँ के ओड़गी विकास खंड के बालिका छात्रावास से एक ऐसी शर्मनाक तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर हर कोई शर्मसार हो जाता है, सिहर जाता है। इस तस्वीर में दिख रहे कीड़े किसी मरे हुए शरीर पर नहीं हैं, बल्कि एक जिंदा और आदिवासी छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रही एक बच्ची के सर पर जख्म में लगे कीड़े हैं, जहां शौच और स्नान जैसे नित्य कर्म के लिए साबुन और पानी नहीं मिल पाने के कारण यह स्थिति निर्मित हो गई। एक बच्ची के सिर में खुजली और बाद में घाव और सुराख के बाद साफ सफाई के साथ इलाज के अभाव में उसमें कीड़े लग गए। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की यह घटना स्वच्छता अभियान को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों के गाल पर झन्नाटेदार चमाट है। ये तमाचा प्रदेश के उन तमाम आदिवासी विभाग के अधिकारियों पर भी है जिन्हें इस पद की जिम्मेदारी दी गई है। ये तमाचा उन जनप्रतिनिधियों के गाल पर भी है जिनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं, कोई काबिलियत नहीं, बस एक सामाजिक वोट बैंक के कारण नेता बने फिर रहे हैं। लगातार शिकायत के बाद भी इन बच्चों के सुध लेने कई दिनों तक न तो जिला प्रशासन का नुमाइंदा आया और न ही स्थानीय विधायक महोदय। हालांकि विधायक महोदय वैसे भी चुनाव की तैयारी में हैं, तो भला वे इस हॉस्टल में क्यों जाएंगे। ग्रामीणों के मुताबिक यहाँ के हॉस्टल अधीक्षिका जो है वो भ्रष्टाचार का सुरापान कर कुंभकर्णी नींद में खर्राटे भर रही थी। इसी शर्मनाक स्थिति को देखकर निर्दयी हॉस्टल अधीक्षक के बारे में यही कहा जा सकता है कि एक कुशल संरक्षक एक भयावह भक्षक भी हो सकता है। आप तस्वीरें देखेंगे तो आपका अंदर से जो गुस्सा है वो फूट पड़ेगा। वजह यह है कि मलाईदार पदों पर अपने कृपा पात्रों को नियुक्त कर नेताओं ने उन्हें अनियंत्रित भ्रष्टाचार करने की छूट दे रखी है। ये तस्वीर को गौर से देखिए, ये साहब सूरजपुर जिले के आदिवासी विकास विभाग में आयुक्त हैं, नाम है विश्वनाथ रेड्डी। छद्म आवरण के साथ सालों से इस मलाईदार पद पर विराजमान है, न कोई डर न कोई भय। कुछ महीने पहले हमने इसी जिले की और इसी बिहारपुर क्षेत्र की ऐसी तस्वीर दिखाई थी कि देखने वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों को अपने प्रदेश के तत्कालीन शिक्षा मंत्री, जो इसी जिले के यानी सूरजपुर जिले के हैं, उनका नाम तक नहीं मालूम था। यहाँ के बच्चों को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक का नाम नहीं मालूम था। पर क्या करें, हद दर्जे के बेशर्म है ये नौकर साहब। शिक्षा विभाग के DEO और ट्राइबल डिपार्टमेंट के आयुक्त, सहायक आयुक्त हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा ईमानदारी से काम करने की जरूरत है, वो सबसे ज्यादा सुस्त और भ्रष्टाचार की मूरत बने बैठे हैं। जिले के कलेक्टर को अपने इर्द गिर्द के दलाल जैसे अधिकारियों की झूठी तारीफ से फुर्सत नहीं कि उन्हें यहाँ की सच्चाई पता चल सके। इस दुर्दशा के बारे में कलेक्टर को पता तब चलता जब किसी और की ना सुनकर अपने विवेक का वे इस्तेमाल करते। आदिवासी छात्रावासों में रह रहे बच्चों के भोजन के लिए सरकार
प्रत्येक बच्चे के लिए प्रतिमाह 1500 रुपए हॉस्टल के खाते में भेजती है। छत्तीसगढ़ सरकार की स्वस्थ तन स्वस्थ मन योजना के तहत महीने में 2 बार बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था भी की गई है, जिसका भुगतान शासकीय मद से किए जाने की व्यवस्था भी है, लेकिन योजनाएं भ्रष्टाचारियों के मिलीभगत से एकदम से गायब सी हो गई हैं। सरगुजा से लेकर बस्तर तक, भाजपा से लेकर कांग्रेस तक, और हॉस्टल में नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म से लेकर गर्भपात और इलाज के अभाव में बीमार करने जैसी घटनाएं, आदिवासी छात्रावासों में ऐसी असाधारण घटनाओं का होना साधारण सी बात हो गई है। सूरजपुर जिले के बिहारपुर के छात्रावास की ये जो घटना है, इसको देखकर सहज ही हम कह सकते हैं कि सक्रिय हिंसा से भी ज़्यादा खतरनाक उदासीन हिंसा होती है जो अधिकारियों में है। ऐसी घटनाएं प्रमाणित करती हैं कि आदिवासी छात्रावास अब यातना गृह बन चुके हैं। यह घटनाक्रम मानवता के विरुद्ध अपराध है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम बात करते हैं तो जिनेवा समझौते की धारा 3 मानवता को बरकरार रखने के लिए जो युद्धबंदी हैं, उन युद्धबंदियों को भी पर्याप्त चिकित्सा उपलब्ध कराने की बात कहती है। और स्थानीय स्तर पर क्या है, बिहारपुर के छात्रावास में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध न कराना, यह चीख चीख कर कह रहा है कि छात्रावास में रहकर पढ़ने वाले बच्चों के लिए यहाँ रहकर पढ़ना मानवता के विरुद्ध अक्षम्य अपराध से भी ज़्यादा है, बावजूद हालात नहीं बदलने वाले, क्योंकि भ्रष्टाचार अब नस्ल में है। कुछ जनप्रतिनिधियों से हमने बात की है, उन्हें यह घटना कितना प्रभावित करती है उनसे जानते हैं। काफ़ी गंभीर विषय है ही है, काफ़ी गंभीर विषय है। और जब मुझे इसकी जानकारी मिली, वहाँ के जो स्थानीय खोड़ के निवासी हैं उनके माध्यम से जब यह खबर आया कि एक हॉस्टल की बच्ची के साथ ऐसा ऐसा हुआ है और उसके सर से 22 कीड़े निकाले गए हैं, तो मैं भी काफ़ी सुनने के बाद भी काफ़ी तकलीफ़ हुई है। और मैं इस संबंध में प्रशासन से भी बात किया कि ऐसी जो स्थिति निर्मित हुई है ये काफ़ी चिंताजनक है, काफ़ी गंभीर है, इसमें त्वरित उसमें कार्यवाही करें। लेकिन प्रशासन जांच में जब गई थी तो प्रशासन का भी जो बयान है वो अलग अलग है। जो अधीक्षिका का कहना है कि वो उस हॉस्टल की बच्ची है, जबकि ट्राइबल के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि उस हॉस्टल की बच्ची नहीं है, और वाडप नगर के पास के शायद वो निवासी हैं, और वहाँ संपर्क जब किया जा रहा है तो शायद उन लोग भी किसी कारण से भी वो सामने नहीं आ रहे हैं और सामने नहीं आकर बोल रहे हैं। लेकिन विषय ये है कि जैसे वहाँ पे जो लापरवाही हुई है, जब वो आपस में ही बयानों में अंतर है, तो ऐसी स्थिति में साफ परिलक्षित होता है कि कहीं ना कहीं घोर लापरवाही, और ये प्रशासन की जैसे देख रेख में जो कमी है उसके कारण ये स्थिति निर्मित हुई है, जिसमें कार्यवाही भी करने की आवश्यकता है। जो अपनी अपनी जिम्मेदारियों का प्रशासन, अगर जो तंत्र बने हुए हैं, प्रशासनिक जो तंत्र हैं, अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करेंगे और जनप्रतिनिधि हमेशा उसकी देखरेख अच्छे से करेंगे तो शायद उसमें कमी आएगी। एक दिन में सुधार नहीं आ सकता, बहुत आउटर का क्षेत्र है, लेकिन फिर भी ऐसे चीज़ों में जहाँ कहीं भी जब कभी कोई भी अधिकारी जो रूटीन में जो उनका दौरा होना चाहिए वो करने की आवश्यकता है, जो अधीक्षक की जिम्मेदारी होती है, अगर उसका पालन नहीं हो पा रहा है तो उसमें त्वरित कार्यवाही करने की आवश्यकता होती है। जो कार्यवाही में कुछ कमी दिखाई दे रही है और उसके लिए हम लोग भी काफ़ी चिंतित हैं, और इस संबंध में प्रशासन से भी बात हुई है, और मुझे ऐसा लगता है कि जल्द ही इस पे जो बच्ची का मामला सामने आया है इसमें कार्यवाही ज़रूर होगी।